नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं वक्त हो गया है खबरों का। मुंबई पुलिस एंटी नारकोटिक सेल ने कैसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने एनसीपी नेता से बदला लेने के लिए उसकी गाड़ी में ड्रग्स रखने की साजिश रची। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एंटी नारकोटिक सेल के डीसीपी दत्ता नारावड़े के मुताबिक उन्हें नौजरील को यह सूचना मिली थी कि एक आदमी मुंबई के डोमनी इलाके में ड्रग्स लेकर आने वाला है, जिसके बाद आजाद मैदान पुलिस की एक टीम ने जाल बिछाकर अयाज मनविवाला नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 150 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया है। आरोपी से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि वह ड्रग्स किसी को बेचने के लिए नहीं बल्कि किसी की गाड़ी में रखने के लिए कहा गया था। आरोपी ने बताया कि उसे दक्षिण मुंबई के एनसीपी नेता विजय कोहली की गाड़ी में ड्रग्स रखने के लिए कहा गया था। इस मामले में पुलिस ने 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम अब्दुल अजीज शेख उर्फ अज्जू, जफर शेख और आसिफ सरदार है। आरोप है कि अब्दुल ने अन्य आरोपियों को इस काम के लिए पैसे भी दिए थे। आसिफ ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाने वाले एक एनजीओ का अध्यक्ष भी है। डीसीपी दत्ता नारावड़े ने बताया है कि अब्दुल तांडेव इलाके में अवैध झुग्गियों के नियमित करवाने की कोशिश में था, जबकि विजय कोहली लगातार इसके खिलाफ शिकायत कर रहा था। इसी बात से परेशान होकर उसने कोहली को ड्रग मामले में फंसाने की साजिश रची। अब्दुल ने पुलिस को यह भी बताया है कि कोहली के साथ उसकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी थी, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक पेडलर जो है उसके पास 150 सर पे कुछ मेपेड्रॉन का नाम का ड्रग्स है उसके पोजीशन में, तो उसको ये इन्फॉर्मेशन डेवलप करके इंटरसेप्ट किया गया। उसके पास से तकरीबन 150 ग्राम मेपेड्रॉन जब्त किया गया। उसका जब इंट्रोगेशन किया गया तो उसमें ये चीज़ रिवील हुई कि उसको किसी ने ये मेपेड्रॉन दिया था, जो उसको एक लीडर की गाड़ी में प्लान करना था, और प्लान करने के बाद पुलिस को वो लोग इत्तला करने वाले थे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जानी थी। तो उसी के दरमियान ये दरमियान एक नेक्स्ट एक्यूज को भी अरेस्ट किया गया, जिसमें ये चीज सामने आई कि ये जो लीडर है वो लोकल किसी कंस्ट्रक्शन को अपोज कर रहा था, लोकल पुलिस और बीएमसी के पास रिपीटेडली कंप्लेंट्स कर रहा था, इस कारण से उसको फ्रेम करने का ये प्लान बनाया गया था। तो इसी केस में अभी टोटल 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए चैनल के साथ।